Shantihi, Shantihi, Shantihi. Sadashiva Samarambham. Shankaracharya Madhyamam. Asmadacharya Paryantam. Vande Guru Parampara. Vande Guru Parampara. भाष्य का पाठ करेंगे, आप लोग दोहराइएगा। पहली बार हम लोग भगवान भाष्यकार के भाष्य का पाठ करने जा रहे हैं, श्रद्धा से उसका आस्वादन करिए। ईशावास्यमिति आदयः मन्त्राः कर्मसु अविनियुक्ताः तेषां अकर्मशेषस्य आत्मनः याथात्म्यप्रकाशकत्वात् याथात्म्यं च आत्मनः शुद्धत् अपापविद्धत्व एकत्व नित्यत्व अशरीरत्व सर्वगतत्वादि वक्ष्यमाणम् याथात्म्यं चात्मनः शुद्धत्वापापविद्धत्व एकत्व नित्यत्व अशरीरत्व सर्वगतत्वादि वक्ष्यमाणं तच्च कर्मणा विरुध्येतेति युक्तैवैषां कर्मस्वविनियोगः नहि एवं लक्षणमात्मनः याथात्म्यमुत्पाद्यं विकारमाप्यं
संस्कार्यम् कर्त्रि भोक्त्रि रूपं वा येन कर्म शेषता स्यात् सर्वासामुपनिषदाम् आत्मयाथात्म्यनिरूपणेन आत्मयाथात्म्यनिरूपणेन उपक्षयात् गीतानां मोक्षधर्माणाञ्च एवं परत्वात् तस्मात् आत्मनः अनेकत्वकर्तृत्व भोक्तृत्वादि च अशुद्धत्व पापविद्धत्वादि च उपादाय लोकबुद्धिसिद्धं कर्माणि विहितानि यो हि कर्मफलेनार्थी दृष्टेन ब्रह्मवर्चसादिना अदृष्टेन स्वर्गादिना च द्विजातिरहं नकारणकुब्जत्वादि अनधिकारप्रयोजकधर्मवान् इति आत्मानं मन्यते सोधिक्रियते कर्मस्विति हि अधिकारविदो वदन्ति तस्मात् एते मन्त्रा एते मन्त्राः आत्मनो याथात्म्यप्रकाशनेन आत्मविषयम् स्वाभाविकम् अज्ञानम् निवर्तयन्तः शोकमोहादिसंसारधर्मविच्छित्तिसाधनम् आत्मैकत्वादि विज्ञानम् उत्पादयन्ति इत्येवम् उक्ताधिकारी अभिधेयसम्बन्धप्रयोजनान् मन्त्रान् संक्षेपतो व्याख्यास्यामः संक्षेपतो व्याख्यास्यामः
भाष्यकार ने उपनिषद में प्रवेश करने के पहले तो जो प्रस्तावना की है तेज रख, तो उस प्रस्तावना में पहली जो बात है वो है, तो ग्रंथ की संगति लगाना। ग्रंथ की संगति का अभिप्राय क्या हुआ कि चूंकि ये मंत्र यजुर्वेद के हैं, 40वें अध्याय को ही ईशावास्य उपनिषद कहते हैं, तो स्वाभाविक है कि उसके पहले 39 अध्याय और हो चुके और 40वें अध्याय के बाद 41वां अध्याय भी है ही। तो अध्याय की अध्याय से संगति क्या है, वो कौन सा प्रकरण चल रहा था तो जिसके बाद ये उपनिषद के मंत्र आरंभ हुए। हम लोगों को ये मंत्र अलग से मुद्रित प्राप्त हुए हैं, लेकिन मूल वेद में तो 39 अध्यायों के बाद तो ये उपनिषद मंत्र हमको मिलेंगे। तो जिसने 39 अध्यायों का अध्ययन किया होगा, मानिए समझिए इसको, जिसने पहले 39 अध्यायों का अध्ययन किया होगा तो उसकी दृष्टि 40वें अध्याय के प्रति कैसी होगी। हम लोगों के लिए एकदम नवीन विषय है, स्वतंत्र विषय दिखाई देता है, लेकिन जो वैदिक है, जिसने पहले के अध्यायों का पहले से ही अध्ययन किया हुआ है, तो उसकी दृष्टि, उसकी मान्यता थोड़ी अलग हो सकती है। जो तो रामायण के पाठ के प्रवाह में सुंदरकांड का पाठ करते हैं, उनको लगेगा कि किष्किंधा कांड बीत जाने के बाद जो प्रकरण किष्किंधा कांड में समाप्ति पर था उसी के सातत्य में सुंदरकांड आरंभ हुआ है। लेकिन अब ऐसी भी पुस्तक छपी है जो केवल सुंदरकांड पर है, आपके कई लोगों की जेब में होगा, तो हनुमान चालीसा अलग छपा और उसी के साथ फिर सुंदरकांड छापा गया। अब ऐसी भी भावना बनती है कि हनुमान जी के लिए ये कांड है और हनुमान जी की प्रार्थना के लिए सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। तो पहले किस प्रसंग का ये कंटिन्यूएशन है, पहले किस प्रसंग के सातत्य में सुंदरकांड का आविर्भाव हुआ है, ये वह व्यक्ति नहीं समझ पाएगा जिसके पास केवल सुंदरकांड की छोटी सी पुस्तिका है। ये उसको लगता है सुंदरकांड हनुमान जी का कांड है, है ना? तो सुंदरकांड में केवल हनुमान जी का कांड तो नहीं है, वहां तो विभीषण की शरणागति भी है, वहां तो और भी चीजें हैं, लेकिन वो पृथक पाठ करने से, पृथक अध्ययन करने से ऐसी वृत्ति बन सकती है। तो जिसके सामने केवल उपनिषद के मंत्र हैं उसको अध्याय संगति समझ में आती नहीं, वो किन अध्यायों के प्रकरण के बाद ये उपनिषद आरंभ हुआ, भगवान भाष्यकार इसको समझाते हैं। क्योंकि वो तो उनकी दृष्टि में तो कोई अध्याय छूटा नहीं है, तो विगत अध्यायों में विषय क्या चल रहा था, विषय चल रहा था कर्म का, कर्म के नाना नाना प्रकार हैं,
कोई दृष्ट फल देने वाला है, कोई अदृष्ट फल देने वाला है, तो उन्हीं कर्मों के प्रकरण के बाद ये मंत्र आए तो दृष्टि ये बनेगी कि ये जो मंत्र हैं ये भी कहीं न कहीं कर्म के ही उपदेशक मंत्र हैं। वेद के विद्वान लोगों ने ऐसा निर्णय ही कर दिया। जैमिनी सूत्र का ये प्रसिद्ध मंत्र है, सूत्र है, तो आमनायस्य क्रियार्थत्वात् आनर्थक्यम तद अतदर्थानाम, बहुत ही प्रसिद्ध सूत्र है, लोगों को याद रहता है। क्या बोलते हैं वो, आनर्थक्यम तत् अतदर्थानाम, ये लिख लेना, ये आपको जल्दी हर जगह न मिले। आनर्थक्यम तद, क्या बात है, तो लिखने को बोला ना, तो आप इतने क्यों आलस में हो भाई। आनर्थक्यम अतदर्थानाम, अतदर्थानाम, तो जो अतदर्थ हैं, है ना, अतदर्थ हैं माने जो मंत्र कर्म के लिए नहीं हैं, वो अनर्थक्यम, वो निरर्थक हैं। अब ये कह दिया जैमिनी महर्षि ने, ये देखो कितना साहस है। वेद मंत्रों को उन्होंने कहा कि वो निरर्थक हैं, अतदर्थानाम आनर्थक्यम, आनर्थक्यम तत् माने वो मंत्र क्या हैं, हैं निरर्थक हैं। आनर्थक्यम तत् बोले कौन से मंत्र, तो कहा गया अतदर्थानाम, अतदर्था माने तद माने यहाँ फिर कर्म हुआ, जो कर्म के लिए नहीं है। स्वाभाविक है, सही बात है, जितने भी ज्ञान हैं उनकी सार्थकता तब होती है जब उनको किसी न किसी अभ्यास में, किसी न किसी कर्म में नियुक्त किया जाए, उसका प्रयोग किया जाए। कर्म के बिना ज्ञान आँख वाला तो है लेकिन लंगड़ा है, पंगू है, वो फलोत्पादन में समर्थ है, गमन का फलोत्पादन करने में असमर्थ है, गमन करने में असमर्थ है। किसी को सर्जरी का ज्ञान हो और करे नहीं, रसोई बनाने का ज्ञान हो करे नहीं, है ना, तो ज्ञान चाहे बड़ा से बड़ा हो, छोटा से छोटा हो, लेकिन वह ज्ञान फल तभी देता है जब हम उसका निवेश कर्म में करते हैं। नहीं तो बारीक से बारीक ज्ञान हो, सूक्ष्म से सूक्ष्म ज्ञान हो, उसमें बहुत ऊहन किया गया हो, बड़ी अन्वेषणा हो, बुद्धि वैभव दिखाई देता हो, लेकिन उसका कोई इम्प्लाइड फॉर्म ना हो, कोई अप्लीकेशन कहीं आप नहीं कर पाते हो, तो लोग बोलते हैं क्या है, थियरी थियरी है, इसका कोई व्यावहारिक रूप नहीं है, उससे क्या होगा, बोले उससे एक बौद्धिक व्यायाम हो सकता है, उसमें कोई फलोत्पादन सामर्थ्य तो हमको दिखती नहीं है। आजकल तो ये भाषा ही बोल जाती है, एजुकेशन शुड बी जॉब ओरिएंटेड, ये जॉब गिविंग एजुकेशन होनी चाहिए। अब कालिदास को और बाणभट्ट को पढ़ने के बाद करेंगे क्या, ऐसा लड़के बोलते हैं। बात सही है, गलत नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेजेज़ में हिंदी में अंग्रेजी में अथवा जो साहित्य है अथवा साइकोलॉजी में
सोशियोलॉजी में, ये बेचारे एमए तक पढ़ते हैं, फिर उसका जॉब से सीधे कोई कनेक्शन होता नहीं, जॉब में जाके शेक्सपियर जो हैं वो बिल्कुल डिसअपियर हो जाते हैं उनका कोई मतलब नहीं है, व्हाट विल शेक्सपियर डू इन जॉब। तो जो जॉब गिवर है वो कहता है भाई आपने इतनी पढ़ाई करी, आपको एक फाइल बनाने आता नहीं। अच्छा, वो विद्याएं जो सीधे सीधे व्यावहारिक क्षेत्र में जिनका निवेश हो सकता है, साधारण जो लोग टाइपिंग जानते हैं, साधारण जो लोग कोई स्किल है जिनके पास, उनको जॉब मिलती है, उनकी पूछ है। पूरा इस समय हमारा शिक्षा तंत्र इस आरोप से पीड़ित है कि यूनिवर्सिटी कॉलेज में एक बनी बनाई घिसी घिसाई पिटी पिटाई एक परिपाटी चली जा रही है और लोग निकलते जा रहे हैं हजारों की संख्या में, और कर्मसु अविनियुक्ता उनके ज्ञान का कर्म में कोई निवेश नहीं है। अब उपमा कालिदासस्य गांव में बैठ के उपमा किसकी किससे दें हैं? ये सो यह बात तो सर्व प्रसिद्ध है, महर्षि जैमिनी ने जो बात कही वो कोई छोटी बात नहीं है, लौकिक ज्ञानों की छोड़िए, उन्होंने वैदिक ज्ञान के लिए भी ये कह दिया। क्या आनर्थक्यम तत् अतदर्थानाम, तो जो तो कर्म में प्रयुक्त नहीं हो सकते, कर्म से असंबद्ध हैं, ऐसे जो मंत्र हैं, ऐसा जो ज्ञान है वो क्या है? बोले निरर्थक है। बोले ऐसा आप क्यों बोलते हो, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो उन्होंने हेतु क्या दिया? आमना यस्य क्रियार्थत्वात्, क्योंकि जो आमनाय है, आमनाय माने वेद, जो वेद है वो केवल और केवल क्रिया के लिए है, क्रिया अर्थत्वात् कर्म के लिए है। देख लो आपके वेदों के बारे में वैदिकों की टिप्पणी क्या है, कर्म के लिए ही वेद है। आमनायस्य क्रियार्थत्वात्। अब आक्षेप क्या लगा कि जो ईशादि मंत्र हैं इनका कर्म में विनियोग कहाँ किया जाए, और अगर इसका कर्म में विनियोग नहीं हो सकता हाँ तो निरर्थक हो गए, अनर्थक्यम। तो कर्म में विनियोग होना चाहिए इनका, और सीधे इनका कर्म में विनियोग कोई दिखाई नहीं देता। तो ये जो मंत्र है ना, ये आरोपित हो गए, खतरे में पड़े महाराज। या तो कहा जाए कि अनर्थक्यम है, या फिर अगर इनकी थोड़ी बहुत जान बचानी हो, इन मंत्रों की थोड़ी बहुत सार्थकता बनानी हो, तो आपको ये करना पड़ेगा कि ये कहिए कि ये यज्ञों के बीच में या किसी कर्म के बीच में तो पाठ के लिए है, ऐसा भी तो करना चाहिए ना कभी कभी, जप के लिए है। उससे क्या होगा? बोले इससे कर्ता की शुद्धि होगी, कर्ता जो है वो तनाव रहित हो जाएगा आजकल तो धर्म का एक बहुत बड़ा फल ध्यान का, धर्म का, प्राणायाम का, जिसको देखो वही जो है, बाबा रामदेव ने ऐसा प्राणायाम का आंदोलन किया
कि महाराज कथाकार लोग भी कहीं कहीं सांस वांस की बात करने लग गए, बड़ा आनंद आता है। हमने कहा ये देखो बेड़िया दशान शुरू हुआ। अजीब सा लगता है जिसको देखो वो, फिर सब लोग बात करते हैं कहीं कहीं कि इससे तनाव दूर होता है, कर्म का कौशल बढ़ता है, एफिशिएंसी बढ़ती है। क्यों? हो महाराज जैमिनी महर्षि का डंडा बिल्कुल सिर पर है, अनर्थक्यम। बोले अगर आपका जो कहा हुआ है, सोचा समझा हुआ है, अगर उसका कहीं विनियोग न होता हो, कर्म में अगर उसकी कहीं सार्थकता न दिखती हो, तो फिर क्या ये कहने कहाने के लिए, बोलने बोलने के लिए करते रहते हो? ऐसा है। स्वाप जप करो, इन मंत्रों का पाठ करो, सुबह शुचि होकर के, शुचिर्भूत्वा शुचौ देशे आसनम प्रतिष्ठाप्य जपेत ईशादि मंत्राणाम। इन मंत्रों का जप करिए, क्या होगा? कर्ता प्रशांत हो जाएगा और फिर ही विल इंटर इनटू फील्ड ऑफ एक्शन विद द ट्रेमेंडस विगर। ओ बड़े भारी भारी शब्द महाराज, दो दो क्विंटल के, तभी तो लोग पढ़ेंगे, नहीं तो अगर इसका कोई फायदा ही नहीं होगा तो फिर कौन करे। तो जप कर लो, सुबह सुबह थोड़ा पाठ करो। इट विल इंक्रीज योर एनर्जी लेवल एंड एफिशिएंसी इतनी बढ़ सकती है कि द स्काई विल बी द लिमिट ऑफ नारायण पद्म भुवम वशिष्ठम। तो ये है पूर्व पक्ष, ये पूर्व पक्ष है जो कहता है कि इस ज्ञान का अगर, क्योंकि प्रत्यक्ष जो है कर्म में इसका कहीं विनियोग दिखता नहीं है, तो परोक्ष रूप से इसका कर्म से संबंध बनाना पड़ेगा। भाष्यकार की पहली पंक्ति यही है कि भाई इस तरह की खुराफात में कृपा करके आप मत पढ़ो। ये हलचल यहां मत बचाओ। क्या बोलते हैं? ईशावास्यम इत्यादयो मंत्राः। भाष्य देखना, ग्रंथ देखना अपना। ईशावास्यम इत्यादयो मंत्राः कर्मसु अविनियुक्ताः। ये प्रतिज्ञा है। अब आपको थोड़ी थोड़ी शैली तो आई है। ये प्रमाण विचार इतने देर तक पढ़ा और फिर इसके पहले वाले ग्रंथ भी पढ़े, तो थोड़ी शैली पकड़ में आनी चाहिए। तो ये भाष्यकार की सीधी सीधी प्रथम प्रतिज्ञा है। क्या है? ईशावास्यम इत्यादयो मंत्राः कर्मसु अविनियुक्ताः। विनियुक्ताः न बोल देना भाई, नहीं तो ये तो पूर्व पक्ष हो जाएगा। तो ईशावास्यम इत्यादि जो मंत्र हैं, इनका कर्म में किसी प्रकार का विनियोग नहीं है। बोले अच्छा आप ऐसा बोलते हो? बोले हाँ। तब तो अनर्थक्यम। बोले शांति रखो जरा, ये कोई वेद वचन थोड़ो है अनर्थक्यम, जैमिनी महर्षि का सूत्र ही तो है। कोई वेद वचन नहीं है कि उसको हम पक्का, हाँ वो एक हद तक जितने भी लौकिक ज्ञान हैं सभी विषयों में उनका वचन प्रमाण है, वो हमारे ही ऋषि हुए, लेकिन सब जगह प्रमाण है ये बात ठीक नहीं है। आप कल्पना नहीं कर सकते, सचमुच में तो मैं भी इतनी कल्पना नहीं कर सकता कि यह जो वाक्य है भाष्यकार के समय में कितनी बड़ी हलचल मचाई होगी इसने।
क्योंकि इस पूरे विद्वत समाज में ये बिल्कुल प्रतिष्ठित था, क्या कि जो भी ज्ञान है हाँ जी उसका कर्म में विनियोग होना ही चाहिए। और इसलिए चाहे जो भी ज्ञान विज्ञान आप पढ़ते हो वैदिक या लौकिक, उन सब का अंततः प्रयोजन कर्म है, तभी वो जाके चरितार्थ होंगे। भाष्यकार कहते हैं कर्मसु अविनियुक्ता, बोले हेतु आपने प्रतिज्ञा की, ऐसा क्यों बोलते हैं आप? तो देखो हेतु देते हैं, तेषाम अकर्म शेषस्य आत्मनः याथात्म्य प्रकाशकत्वात्, ये हेतु है। अब ये देखो हमारी शास्त्रीय शैली है, आपको अभ्यास पड़ जाए धीरे धीरे तब शास्त्रों का रहस्य सामने खुलेगा। पहली प्रतिज्ञा की मने सीखिए और अपने विचारों का भी इसी प्रकार अनुशासन करिए। जब आप बात करते हो तो एटलीस्ट यू शुड बी वेरी क्लियर कि आपको कहना क्या है, आप क्या कहने के लिए प्रवृत्त हो रहे हो, माने आपकी जो प्रतिज्ञा है वो कम से कम आपको साफ होनी चाहिए। कई बार बोलने वाला स्वयं नहीं जानता है कि वो और फिर बोलते बोलते कुछ न कुछ निकल ही आता है, बोले चलो चर्चा तो हुई, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर स्टेटमेंट होना चाहिए। तो पहली हुई प्रतिज्ञा, एंड प्रतिज्ञा हेतु के द्वारा संपुष्ट होनी चाहिए, इट हैज टू बी सपोर्टेड बाय द लॉजिक। अब देखो क्या इन्होंने भाष्यकार भगवान ने, वो तो क्या उनकी लेखनी, जितना जितना आप पढ़ोगे उतना उतना दीवाना होते जाओगे, मुग्ध हो जाता है आदमी। वो क्या बोलते हैं, क्यों ऐसा है, क्योंकि प्रकाशकत्वात्, ये जो मंत्र है ना ये प्रकाशन करते हैं, निर्माण नहीं करते, प्रकाशन करते हैं। किसका? याथात्म्य का। याथात्म्य का मतलब क्या हुआ कि यथा आत्मा तथा भाव इति याथात्म्यम, ये जैसा स्वरूप है वैसा, माने आत्मा का स्वरूप नहीं है इसका अर्थ। याथात्म्य का मतलब क्या है, किसी भी चीज का जैसा आत्मा है माने जैसा उसका स्वरूप है, ये जिसका जैसा स्वरूप है वैसा प्रकाशन करना। तो भाष्यकार ने जो हेतु दिया वो दिया याथात्म्य, अपने ग्रंथ देखना और समझना, थोड़ा अभी अभ्यास धीरे धीरे होएगा। याथात्म्य प्रकाशकत्वात्, ये जो मंत्र हैं वो याथात्म का प्रकाशन करने के लिए हैं। बोले किसका याथात्म्य, याथात्म्य किसका है, तब बोलते हैं आत्मनः। ये कोई वृक्ष लताओं के याथात्म का प्रकाशन करने के लिए नहीं, ये जो मंत्र हैं वो किसका स्वरूप, किसका यथार्थ, किसका सत्य बताने के लिए प्रवृत्त हुए हैं, तो बोलते हैं आत्मनः। तो वाक्य क्या बनेगा, आत्मनः याथात्म्य प्रकाशकत्वात्। बोले ये हेतु क्या हुआ भाई, ये आत्मा कैसी है? तो अब जाके दो शब्द दिए, बहुत ही सुंदर हैं, बोलते हैं अक्तेशाम, तेषाम माने
मंत्राणाम ईशादि मंत्राणाम तेषाम मंत्राणाम, वो जो मंत्र हैं वो क्या हैं, वो अकर्म शेषस्य आत्मनः याथात्म्य प्रकाशकत्वात्। ये जो ईशादि मंत्र हैं ये उस आत्मा के स्वरूप का प्रकाशन करते हैं जो आत्मा कर्म का शेष नहीं है। ये अकर्म शेषस्य आत्मा का लक्षण क्या किया यहाँ, अद्भुत है, प्रसंगानुसार लक्षण हो गया। क्या बोलते हैं, अकर्म शेषस्य आत्मनः, उस आत्मा का यथार्थ प्रकाशन है जो कर्म का शेष नहीं है। कर्म का शेष माने होता है कर्म का अंग, कह लीजिए शेष शेषी संबंध मानते हैं, शेष शेषी है ना, शेषी बोलते हैं अंगी को और शेष बोलते हैं अंग को, ये अंग अंगी संबंध को ही शेष शेषी संबंध मानते हैं। तो जैसे कर्म हुआ शेषी और उस कर्म का शेष हुआ कर्ता भोक्ता क्रिया संप्रदान अपादान इवन संबंध अधिकरण, ये जितने भी उस कर्म को संपादित करने वाले अंग हैं वो सब के सब क्या हैं, कर्म शेष हैं। ये कोई कोई सीधा कर्म शेष है और कोई कोई परोक्ष रूप से कर्म शेष है। परोक्ष रूप से जैसे कहा कि वनस्पति का ये लक्षण है, एक वनस्पति का मानो वर्णन किया गया कि उसके पत्ते ऐसे होते हैं, इसमें फूल ऐसा निकलता है, इस ऋतु में निकलता है, इत्यादि इत्यादि। वहां आदेश कुछ नहीं दिया कि उस वनस्पति का करें क्या, तो लगा कि इस मंत्र का कर्म के साथ कोई संबंध नहीं है। लेकिन बाद में कहा गया कि इस यज्ञ में हाँ उस वनस्पति को ले आओ, किसका, जिसका हमने पहले ऐसे ऐसे वर्णन किया था। तो जो वनस्पति का वर्णन है उसका प्रयोजन निकल आया ना, उसका प्रयोजन क्या निकला कि हमने पहले वर्णन किया था, पहचान बता दी थी, अब उस वनस्पति को पहचान करके कहाँ लाओ, यज्ञ में लाओ। तब वो जो पहले वाला दिया हुआ ज्ञान था वो हिस्सा बना किसका, यज्ञ का। ये उस समय लगा था कि ये बेमतलब की इतनी पहचान करा रहे हैं, लेकिन कालांतर में वह जो पहले का प्राप्त हुआ ज्ञान है उसका विनियोग हुआ कहाँ, यज्ञ में। कि जब हमको कहा गया कि वनस्पति लाओ तो ज्ञान चूंकि हमारे पास है इसलिए मैं पहचानूंगा उसको और फिर जाके ले आऊंगा। ये तो चाहे सीधे कह दिया जाए कि ये चीज लाओ या ये चीज करो, या फिर कालांतर में जो पहले का दिया हुआ ज्ञान है उसका प्रयोग होवे कहाँ, कर्म में। ये लेकिन हर ज्ञान किसी न किसी प्रकार से वो कर्म का शेष है, इंक्लूडिंग कर्ता भोक्ता, क्योंकि कर्म की सिद्धि के लिए कर्म संपादन के लिए जो सबसे पहली चीज चाहिए वो कर्ता चाहिए। तो कर्ता तो पहले ही कर्म शेष है नारायण, इवन भोक्ता, भाई भोक्ता होगा तो हाँ अभी दिक्कत हो रही है आप लोगों को, भोक्ता होगा तो उसमें इच्छा होगी,
इच्छा होगी तब कर्म में प्रवृत्ति होगी। तो जैसे कर्म की सिद्धि के लिए इच्छा चाहिए, वैसे ही इच्छा की सिद्धि के लिए भोक्ता चाहिए। इच्छा तो तब सिद्ध होगी ना जब पहले भोक्ता भाव हो, नहीं तो इच्छा क्यों बनेगी। तो भोक्ता भाव हो, फिर इच्छा हो, फिर इच्छा से कर्म हो, लेकिन अल्टीमेटली आप गिरे कहाँ, कर्म में। तो भोक्तृत्व भी अंततः कर्म का संपादन का एक एक शेष है, अंग है। कर्तृत्व भी है, धन संपत्ति भी उसी के लिए है, आपके भीतर जो स्किल है वो भी उसी के लिए है। ये अब जरा देखो होराइजन इसका, दुनिया में जो कुछ है वो सब किसके लिए है, अंततः कर्म की सिद्धि के लिए, कर्म का संपादन करने के लिए। तैरना बहुत सीखा, कहाँ, क्लासरूम में बैठ के खूब सीखा, महाराज पीएचडी भी हो गई तैरने में, पीएचडी, और पानी में पांव नहीं डाला। फिर तो कर्मसु कर्म में उस ज्ञान का निवेश नहीं किया तो क्या है उसका फायदा। निर्विकल्प समाधि की व्याख्या हो सकती है, कभी बैठते नहीं बस। तो वो जो ज्ञान है समाधि के बारे में जो आप, अब वो अगर कर्म में रूपांतरित न होवे तो वो क्या है, अनर्थक्यम है कि नहीं है, निरर्थक है। हाँ ये हो सकता है कि हम उस पर व्याख्यान करें, हम बैठ नहीं सकते, हम बैठेंगे नहीं, रुचि नहीं है। पूरी दुनिया में जो कुछ है वो सबका सब ही अंततः फिर किसके लिए सिद्ध हुआ, कर्म के लिए हुआ। अब भाष्यकार कहते हैं कि दुनिया को एक तरफ रहने दीजिए जरा कृपा करके, लेकिन जो ईशावास्यम इत्यादयो मंत्राहा, ये जो मंत्र है ना, ये कर्म के लिए नहीं है, शांति रखो जरा। कर्मसु कर्मसु अविनियुक्ताहा, ये तो कर्म में नियुक्त विनियुक्त नहीं होते। क्यों भाई, याथात्म्य प्रकाशकत्वात्, आत्मनो याथात्म्य प्रकाशकत्वात्, क्योंकि आत्मा के याथात्म का ये प्रकाशन करते हैं, और वो भी कैसी आत्मा का, तब ये शब्द बोला है अकर्म शेषस्य आत्मना। ऐसी आत्मा का जो कर्म का शेष नहीं है, ऐसी आत्मा के याथात्म का प्रकाशन करने के लिए ये मंत्र प्रकट हुए हैं, इसलिए इनका कर्म में किसी प्रकार से विनियोग नहीं हो सकता। बोल महाराज ये हेतु तो एक पंक्ति में दे दिया जाता है, विवरण करिए। आपने पढ़ा है कि धूम दर्शनत्वात् धूमत्वात्, तो ये हेतु तो दे देंगे, लेकिन फिर विवरण करना पड़ेगा, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः इत्यादि। विवरण करिए, हेतु को खोलिए। तो हेतु देने के बाद अब विवरण करते हैं भाष्यकार, बड़ा सुंदर है। याथात्म्यम च आत्मनः, अब ये विवरण किसका हो रहा है, दिए हुए हेतु का ही है, नया वाक्य नहीं है। हेतु में क्या बात कही गई थी, आत्मनः याथात्म्यम, कौन सा आत्मा, हाँ वो भी याद रखना, अकर्म शेषस्य
आत्मनः याथात्म्य प्रकाशकत्वात् चार शब्द दिए। अब कहते हैं याथात्म्यम च आत्मनः, आत्मा का याथात्म्य क्या है, आत्मा का शुद्ध स्वरूप यथा स्वरूप क्या है, बोलते हैं शुद्धत्व। छह शब्द दिए, बहुत ही बढ़िया। शुद्धत्व, अपाप विद्धत्व, आत्मा में शुद्धता उसका स्वरूप है, पाप से विद्ध न होना ये उसका स्वरूप है। एकत्व, सॉरी नित्यत्व, एकत्व, एकत्व माने वो अद्वितीय अकेला है। तीसरा लक्षण ये किया। चौथा नित्यत्व, नित्य है। चार लक्षण हो गए, शुद्धत्व, अपाप विद्धत्व, एकत्व, नित्यत्व, और पांचवा आया अशरीरत्व। आत्मदेव कैसे हैं, बोले अशरीरी हैं, न वो शरीर हैं न शरीर वाले हैं। हाँ जी, अशरीरत्व पांचवा, और छठा आया इसीलिए सर्वगतत्व। जो शरीर वाला है वो तो सीमित होगा, सो अशरीरत्व, और फिर अगला दिया सर्वगतत्वादि। आदि पद से हमारे ऊपर छोड़ दिया, नहीं ये ना कभी सोचना आपके ऊपर छोड़ देंगे, वो इतना भरोसा नहीं है। बोले आदि वक्ष्यमाणम, वक्ष्यमाणम माने जिनका आगे इसी उपनिषद में विवरण होने वाला है, आप न बोलो। महाश्रीकार की ऐसी पंक्ति होती है। तो आत्मदेव के छह लक्षणों का सबसे पहले उल्लेख किया है। क्या क्या कहा, एकदम धंसते जाना चाहिए, मेधा में बिल्कुल सुरक्षित हो जाए जाते ही। शुद्धत्व, अपाप विद्धत्व, एकत्व नित्यत्व, अशरीरत्व, सर्वगतत्व। देखो बस छह लक्षण। याथात्म्य प्रतिपादन शैली देखो, पकड़ो इसको, भाष्यकार के हृदय से अपने हृदय को मिला दो, तब आएगी बात। याथात्म्यम च आत्मनः, ये ऐसा है। अच्छा, तो इससे क्या सिद्ध हो गया, बोले इससे सिद्ध ये है कि ऐसा जो आत्मा है ना, उसका कर्म से अन्वय होना छोड़िए विरोध है। ये हेतु का ऐसा प्रहार किया यहां पर, क्या बोलते हैं, तच्च कर्मणा विरुद्धेत, ऐसे स्वरूप वाला जो आत्मा है उसके साथ कर्म का संबंध नहीं है। केवल इतना ही नहीं, बल्कि कर्म का उससे सीधा सीधा विरोध है। तच्च कर्मणा विरुद्ध्येत इति, अब देखो निगमन करते हैं, इति युक्त एव एषाम कर्मसु अविनियोगः। बन गया, प्रतिज्ञा क्या थी, ईशावास्यमित्यादयो मंत्राः कर्मसु अविनियुक्ताः। निगमन क्या किया, अतः देखो युक्त एव एषाम, एषाम माने मंत्राणाम, तो युक्त ही है, ये ठीक ही कहा गया है कि इन मंत्रों का कर्म में किसी प्रकार का विनियोग नहीं हो सकता। यहां आकर के एक पूरा प्रबंध पूरा हो गया।
विद्यार्थी ने कहा कि समझ में आया, लेकिन थोड़ा और विस्तार, थोड़ा और स्पष्टीकरण हो जाए तो अच्छा है, तब समझाते हैं। करुणालयम क्या समझाते हैं? बोले नहीं एवं लक्षणम आत्मनः, जैसा लक्षण हमने आपको बताया वैसा लक्षण वाला आत्मा, नहीं एवं लक्षणम आत्मनः याथात्म्यम, इन लक्षणों वाले आत्मा का जो याथात्म्य है ना, इन लक्षणों वाले आत्मा की यथार्थता जो है, उस यथार्थता को, उस याथात्म्य को उत्पन्न नहीं किया जा सकता, उत्पाद्यम, उसको विकृत नहीं किया जा सकता, विकार्यम, उसको पाया नहीं जा सकता, आप्यम, और उसको चमकाया नहीं जा सकता, नारायण, संस्कार्यम। देखो क्या बोल गए, बोले जिस तरह की आत्मा का यहां वर्णन है ना, उस आत्मा के सत्य को न पैदा करना है, न पाना है, न विकृत करना है, न संस्कृत करना है। ये चार बात कही, क्या क्या समझते जाओ, लिख लेना, लेकिन समझते जाओ। उत्पाद्यम विकार्यम, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ये, बौद्धिक लोगों की दुनिया इसको स्वीकार करेगी, अप्रिशिएट करेगी। क्या बोलते हैं? उत्पाद्यम विकार्यम आप्यम संस्कार्यम, ऐसा हो नहीं सकता। दूसरा, कर्तृ भोक्तृ रूपम वा, पांचवा निषेध किया कि ऐसा जो आत्मा है न वो कर्ता रूप है न वो भोक्ता रूप है, तो छह बात का निषेध किया। ये न कर्म शेषता स्यात्, अगर ये छह में से एक भी कुछ होता ना आत्मा में, तो आत्मा और आत्मा के बताने वाले मंत्र दोनों ही कर्म के शेष होते। कर्म शेषता स्यात्, कर्म के अंग अवश्य होते, कर्म के शेष अवश्य होते, अगर इन छह में से एक भी होता तो। क्या क्या? उत्पाद्यम विकार्यम आप्यम संस्कार्यम कर्तृरूपम भोक्तृरूपम, ये क्या गिन डाला उन्होंने कि यही जो छह चीजें हैं वो कर्म के शेष हैं, ज्ञान को कर्म का शेष बना देती हैं। नारायण, अब इनमें छह में से एक एक की थोड़ी थोड़ी आलोचना कर लीजिए। भाष्यकार ने ये कहा कि कर्म के केवल और केवल चार फल होते हैं, माने दुनिया में चाहे कोई कैसा भी कर्म करता हो, अच्छा बुरा बड़ा छोटा, किसी भी प्रकार का कर्म करता हो, वैदिक लौकिक, बहुत ढेर सारे साधनों के द्वारा या कम साधनों से, अल्पकालिक अनुष्ठान हो या दीर्घकालिक अनुष्ठान हो, कर्म क्या हो आप जो मर्जी सोच सकते हो सोच लो, उससे जो परिणाम प्रकट होगा उसकी केवल चार श्रेणियां होती हैं। कर्म से एक ऐसी चीज पैदा की जा सकती है जो कल तक नहीं थी, आपका शरीर पैदा हो जाएगा, घट पैदा हो जाएगा, बिजली पैदा हो जाएगी, एक हथियार पैदा हो जाएगा, एक मशीन पैदा हो जाएगी। उत्पाद्यम, कर्म में यह सामर्थ्य है कि वो किसी ऐसी चीज को उत्पादन कर सकता है जो कल तक
सरफेस पे नहीं थी। रोज ही कुछ न कुछ नया प्रोडक्ट आता है, नया उत्पादन आता है, वो अपने आप तो नहीं आता, उसके पीछे तो किसी न किसी की मेहनत है, कर्म है। अच्छा, मानो एक चीज है तो सही, उत्पन्न है, लेकिन बाजार में है। अब बाजार में होने से हमें क्या मिलने वाला है? तो हमें उसको उत्पन्न नहीं करना है, लेकिन उसको पाना है। तो पाने के लिए कैसे पावें? कार खड़ी है बाजार में, पावें कैसे? बोले मेहनत करो। पहले उसको पाने के लिए जो धन चाहिए वो कमाओ मेहनत से, फिर धन लेकर के फिर फोन करो या उसके यहाँ जाओ। आजकल फोन पर भी कहते हैं पहुंचा जाते हैं, लेकिन करना तो पड़ेगा। सो जो अप्राप्त है, उत्पाद्य नहीं है, वो चीज पहले से बाजार में है लेकिन मेरे पास नहीं है, तो परिश्रम करके, कर्म करके उस अप्राप्त वस्तु को प्राप्त कर सकता है व्यक्ति। कर्म में यह सामर्थ्य है। कर्म एक ऐसे करण का नाम है जिससे अप्राप्त की प्राप्ति होती है और अनुत्पन्न की उत्पत्ति होती है। ये फिर ये है कि एक चीज घर में आई थी और अब वो उपयोगी नहीं रही, और अब उसने जगह घेर रखा है, और इतना ही नहीं बल्कि वो जो है गंदा लगता है देख देख करके, जब जब देखते हैं तब तब, तो बोले अब इसको फेंको यार, ख़त्म करो, जलाओ, तोड़ दो, फाड़ दो। टेबल साफ करने के लिए जो जो अनावश्यक पत्र हैं, अनावश्यक कागज हैं, क्या करते हो आप उनको? बार बार न फाड़ो तो बार बार आ जाते हैं, बार बार आ जाते हैं, खत्म करो, जलाओ, पहले तो फाड़ दो फिर कोई जला दे। सो विकार्यम, रूपांतरण कर दो उसका। नाश्यम तो नहीं कहा भगवान ने, बहुत सूक्ष्म है ये, क्योंकि नष्ट आप किसी चीज को कर ही नहीं सकते। फैक्ट ये है, Nothing can be destroyed absolutely. ये आप ही नहीं जानते, ये भाष्यकार भी जानते हैं। कागज को जलाओगे तो राख बचेगी, वो रूपांतरण तो है, लेकिन नाश्यम क्या हुआ? एक वृक्ष है, उसको काट डालो, लकड़ी हो गई। फर्नीचर बना लो, फिर लकड़ी हो गई। नहीं चाहिए जला दो, जला देने से खत्म थोड़ो हुई, राख हुई, मिट्टी हुई। द एग्जिस्टेंस कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू नॉन एग्जिस्टेंस। बहुत विचित्र है मसला। अस्तित्व को अनस्तित्व में रूपांतरित नहीं किया जा सकता, केवल रूपांतरण की संभावना है। विनाश नाम की कोई चीज वास्तव में होती नहीं। बोले शरीर का विनाश कर दिया, विनाश कर दिया महाराज, उसी में से हो सकता है, अगर कब्र हो तो उसी में से एक पौधा निकल आवे। बोले ये पौधा कौन है? बोले हमारे प्रपितामह हैं, हमको फल खिलाने के लिए प्रकट हुए। सुभाष्यकार ने जो शब्द लिखा वो लिखा विकार्यम। आपको उस रूप में वो चीज नहीं चाहिए, आप उसको उससे पीछा छुड़ाना चाहते हो, विकृत कर दो, खत्म करो। फिर एक चीज है, खरीदनी भी नहीं है, घर में है, लेकिन
कुछ उसमें मैल जम गई, जाम हो गई, पड़े पड़े हारमोनियम खोली तो पता चला कि वो पहले तो निकलती ही नहीं, जिस बक्से में रखी हुई है, हैं? और वाणी जयराम सामने। हमने कहा था कि आप वहाँ रख दीजिएगा, फिर कुछ लोगों ने स्वतंत्र रूप से विचारणा की, भाई आफ्टर ऑल बुद्धि प्रधान जीव है मनुष्य, तो तय ये हुआ कि नहीं इसकी जरूरत नहीं है। अब सडनली मंगाई तो निकल के न दे महाराज, मैं तो ना निकलूंगी, आखिर वो भी कहाँ क्या बोलते हैं अस्थि बहाती है उसमें तो। बड़ी मुश्किल से निकली, क्या एक चाबी लगाया किसी ने। ये जुगाड़ जो है ना हिंदुस्तानियों का बड़ा मजेदार है, बहुत है मजेदार है। कहते हैं फॉरेन से कुछ लोग आए और हिंदुस्तान देखने निकले, जहाँ कुछ बिगड़ जाए बोले कुछ जुगाड़ करो, ड्राइवर क्लीनर जो आपस में बात करें, अच्छा मैं कोई जुगाड़ लगाता हूँ, और चल पड़े महाराज। करते कराते करते कराते सारा घुमाए वो। तो फॉरेनर ने कहा कि यहाँ जुगाड़ कोई बड़ी जबरदस्त चीज है, इसको हमें इंपोर्ट करना चाहिए। तो अपने देश में गए, एम्बेसी में बोला उन्होंने जाके कि सर इन इंडिया देयर इज ए, आई डोंट नो व्हाट इज दैट, बट इट इज कॉल्ड जुगाड़, दैट मेक्स एवरीथिंग टू रन एंड द थिंग हैपेंस देयर, सो इसका इंपोर्ट करना चाहिए। तो बोले अच्छा इतना बढ़िया चीज़ है। उसने फ़ोन किया मनमोहन सिंह जी को कि भाई आपके यहाँ एक जुगाड़ नाम की चीज़ है, हम आयात करना चाहते हैं। बोले ओ जी, तो सारी सरकार ही हमारी जुगाड़ से चल रही है। अब आपको हम क्या वो बोलो। कभी वो पहिया उधर जाता है, कभी लालू उधर जाता है, कभी कम्युनिस्ट उधर जाते हैं, कभी कोई जुगाड़ लगाए बैठा हूँ आपको दे दूँ तो फिर हमारा क्या हो। अरे रे, कोई चीज है हमारे पास, उत्पादन नहीं करना है उसका, उसको विकृत भी नहीं करना है, उसको बाजार से लाना नहीं है, लेकिन बिगड़ी पड़ी है तो उसको ठीक करना है। ये जुगाड़ याद आया कि हारमोनियम की पेंच में से चाबी से कर दिया काम, ठीक है अपना अटक गई किसी तरह से। तो है तो चीज, पैदा नहीं करनी, खरीदनी भी नहीं, लेकिन आपने क्या किया, थोड़ा उसको चलाया फिर आया। तो संस्कारियम, कर्म से बिगड़ी हुई चीज को, मलिन वस्तु को सुसंस्कृत करिए और अपना काम कर लीजिए। तो चुनौती यह है कि कर्म का कोई पांचवा फल नहीं होता। देखो कितना अध्ययन है, ये कितनी गहरी दृष्टि है भाष्यकार की। कोई पांचवा चुनौती है, आप सोच के बता देना मुझे, मुझे अब तक नहीं मिला। पूरी दुनिया के लोग मिलके मेहनत करें, क्या करेंगे, नया नया प्रोडक्शन करेंगे, या फिर आप खरीद के लाओगे, ट्रेडिंग है, या फिर उसको गार्बेज में डालो, काम खत्म करो, या फिर उसका संस्कार करो। महाराज अंतर्बाह्य पदार्थों के साथ भी यही होता है, कुछ गुणों को पैदा करो, कुछ कहीं से प्राप्त करो, ज्ञान प्राप्त करो, कौन सा, लौकिक, वैदिक,
आत्मज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं अभी। अंतःकरण को बाजार से खरीदना नहीं है, पैदा करना नहीं है, मेरे ख्याल से तो है। अंतःकरण को तो आप पैदा नहीं कर सकते और बाजार से लाना भी नहीं है, फिर क्या है? संस्कारियम है। आप साधन भजन करो, उससे क्या होगा? वो चमक जाएगा। ये एक चीज है, लेकिन हमारे जैसा हमको उपयोग करना है वैसा नहीं कर पा रहा हूं। क्यों? तो लायक नहीं है, मलिन पड़िया है। समाधि है नहीं, उत्पाद्य है, पैदा करो। ये ना बोल देना कि समाधि है, अवस्था की बात कर रहा हूं, उत्पाद्य है। तो आपको चाहिए तो आप जो नियम बताया गया है, जो अनुशासन बताया गया है, जो तरीका बताया गया है, उसका पालन करके उसको पैदा करो। अंतःकरण उत्पाद्य नहीं है। पानी चाहिए तो है मेरे पास, नहीं ठीक हो जाएगा, इतना भागने दौड़ने की क्या बात है। तो अंतःकरण तो उत्पाद्य नहीं है, लेकिन संस्कार यह है। किसी के घर नहीं है वो उत्पाद्य है, किसी की गाड़ी नहीं है। अब एवरीबडी इज नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस द गाड़ी, वो क्या है फिर? आप्यम, बाजार से ले आओ। गाड़ी खराब हो गई और कोई लेने वाला भी नहीं है, क्या करोगे? बोले कबाड़ को खत्म करो। सोच के देख लो भाई, स्वर्ग उत्पाद्य नहीं है तो आप्य है जी। क्या ऐसी कोई चीज बताओ जो इन चार में न गिरती हो कहीं न कहीं? उत्पाद्यम, विकार्यम, आप्यम, संस्कार्यम, बस इतना ही है। बना दूसरा, अगर करता है तो कर्मशेष है, और अगर उसका रूप भोगता है तो भी वो कर्मशेष है। यही छह चीज हैं जिसकी वजह से कोई चीज कर्म का शेष बनती है। बोले यहां तो वो छह में से एक भी नहीं है, क्योंकि छह गिनाया भगवान ने। क्या क्या गिनाया? शुद्धत्व, सबसे पहला नाम था शुद्धत्व। देखो ये कैसा भाष्यकार की शैली है, शुद्ध है और इसलिए संस्कार ये नहीं है। अपाप विद्धत्व, पाप का वेधन, पाप लगता नहीं उसमें, विकार ये नहीं है, विकृत ही नहीं हो सकती। देखो एकत्व, अद्वितीय है, दूसरे का संग ही नहीं हो सकता। तो आप्यम का, आप्यम के दो तीन हेतु हैं, अभी हम आते हैं इस पर। नित्यत्व, नित्य होने से उत्पाद्य नहीं है। शुद्धत्व, अपाप विद्धत्व, एकत्व, नित्यत्व, अशरीरत्व, देखो तो विकार्य नहीं और संस्कार्य नहीं, दोनों ही नहीं है। सर्वगतत्वादि, और सर्वगत होने से आप्य नहीं है, सर्वगत होने से दूर हो ही नहीं सकती। आकाश जो है वो दूर हो नहीं सकता, वो सर्वव्यापक है, सर्वगत है। तो यही है, जो वस्तु यहां नहीं है वो सर्वगत कैसे हो सकती है? वो तो फिर सीमित ऐसे ही हो गई। ये देखो अपाप विद्धत्व माने कर्ता भोक्ता नहीं है। अगर कर्ता है तो पाप बनेगा, और भोक्ता है तो उस पाप का फल उसको मिलेगा। ये शरीर नहीं है तो कर्म होगा कैसे?
और भोग कैसे होगा? भोगायतन न हो तो अशरीरत्व, अपाप विद्धत्व, ये जो दो लक्षण बताए हैं किस लिए? कर्त्री भोक्त्री रूपम न भवति। यदि थोड़ी देर के लिए यदि लगा लो कि यदि आत्मा का स्वरूप ऐसा निकल आया कैसा, जैसा विच्छे बताया, शुद्धत्व अपाप विद्धत्व एकत्व नित्यत्व अशरीरत्व सर्वगतत्व आदि, अगर ऐसा स्वरूप उसका निकल आया तो वो जो आगे छह लक्षण बताए जिनके कारण कोई कर्म का शेष बनता है वो लक्षण यहाँ घट नहीं सकते। तब क्या सिद्ध हुआ? सिद्ध ये हुआ कि आत्मा कर्मशेष नहीं है, और इसलिए जो शब्द दिया था उन्होंने अकर्मशेषस्य आत्मनः याथात्म्य प्रकाशकत्वात्, आत्मा अकर्मशेष है माने कर्म का शेष नहीं है। हम बोले ये तो जो आपने लक्षण बताए उन लक्षणों के अनुसार तो यही बात निकलती है, तो बोले ये लक्षण मेरे बताए हुए नहीं हैं, सर्वासाम उपनिषदाम, ये कोई मेरा मैनिपुलेशन नहीं है, कृपा करो, सर्वासाम उपनिषदाम याथात्म्य आत्म याथात्म्य निरूपणेन एव उपक्षयात्, सारे उपनिषद आत्मा के इसी याथात्म का प्रकाशन करते हुए समाप्त होते हैं, इसी याथात्म के निरूपण करने में उस सारे के सारे उपनिषद लगे हुए हैं, उनका और कोई क्षेत्र ही नहीं है। सो सर्वासाम उपनिषदाम आत्म याथात्म निरूपणेन एव उपक्षयात्, न केवल उपनिषद बल्कि गीतानाम मोक्ष धर्माणाम च एवं परत्वात्, बल्कि जो गीता है और जो मोक्ष शास्त्र हैं वो सब के सब एवं परत्वात् इसी के परायण हैं। इसी के परायण माने आत्मा का स्वरूप बताने के लिए ही प्रवृत्त हैं। तस्मात्, अब तस्मात् आया, इसलिए आत्मनः, बोले इसलिए जब कभी आत्मा को कोई यथार्थ रूप से न समझ करके कर्ता भोक्ता और अनेक इत्यादि समझ बैठता है, तब उसके लिए ऐसा ज्ञान बताया जाता है जो कर्म में सहयोगी हो। ये देखो क्या लिखते हैं, तस्मात् आत्मनः अनेकत्व, देखो ये ब्रह्म ज्ञान ये है, अनेकत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि च अशुद्धत्व पाप विद्धत्व आदि च, पांच बात कही, क्या क्या कहा, अनेकत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि च अशुद्धत्व हाँ अपाप विद्धत्वादि च उपादाय, इन पांचों को उपादाय, अपादाय नहीं, ले करके अपने में स्वीकार करके, क्या स्वीकार किया कि दुनिया में मैं अकेले थोड़ा हूं, अनेक आत्मा है, अनेकत्व, फिर कर्तृत्व, फिर भोक्तृत्व, फिर अशुद्धत्व, अरे मैं तो विकारी संसारी, कभी सुखी कभी दुखी, कभी कामी कभी संतोषी कभी लोभी, ऐसे पाप विद्धत्व, और जो कर्म हमने किए उसके फल से मैं विद्ध होता हूँ, प्रभावित होता हूँ, भोगता हूँ इत्यर्थः। आदि च उपादाय, अपने में जब इन पांचों धर्मों को हम स्वीकार कर लेते हैं, क्यों स्वीकार कर लेते हैं, भाष्यकार पूछते हैं तुम क्यों ऐसा अपने आप को मानते हो, क्या विचार करके मानते हो,
कि विचार से ये निर्णय निकला कि मैं अनेक हूं, कि मैं अशुद्ध हूं, कि मैं पाप विद्ध हूं, तो बोले विचार से नहीं निकल सकता, प्रमाण जन्य नहीं है ये। क्या है? लोक बुद्धि सिद्धम। आह कैसा बोलते हैं, अरे ये सिद्ध जो है प्रमाण सिद्धम नहीं है। ये बोले भेड़िया दसान है। एक भेड़ कुएं में गिरी महाराज, बिना जांचे परखे, बाकी पूरी पीछे से भेड़ का स्वभाव निरीक्षण परीक्षण बिल्कुल नहीं है। एक पूरा घेरा जा रहा था, आगे कुआं था, एक गिर गई, बस कोई चिंता नहीं, आप खड़े रहो दूर, सारी की सारी उसी में जाके गिरेंगी। मेषा पत्ती ही बोलते हैं इसको, संस्कृत का ही कहावत है जो बाद में हिंदी वालों ने ऐसा बोला, भेड़िया दसान, वो सब की सब कुएं में जाके धस गई, यू नो। तो ये जो हम लोग अपने अपने को अनेकत्व इत्यादि इत्यादि माने बैठे हैं, वो भेड़ों से कोई हम बहुत बेहतर थोड़ो हैं। अरे बोले तुम अपने को कामी क्रोधी लोभी क्यों मानते हो? अरे बोले मैं केवल मैं ही थोड़ो मानता हूँ, बगल वाला भी तो मानता है। तो चूंकि वो मानता है इसलिए तुम भी मानोगे, अब क्या करेंगे। लिव लाइक ए रोमन इन ए रोम। तो अब संसार में संसारियों की तरह ही रहना चाहिए। मूर्खा जिराज, लोक बुद्धि सिद्धम न तो विचार सिद्धम न तो प्रमाण सिद्धम। ये कहा, लोक बुद्धि सिद्धम कर्माणि विहितानि, ऐसा अगर तुमने अपने को माना है, निश्चित रूप से कर्म में तुम्हारा विनियोग हो जाएगा, तुम्हारे लिए कर्मों का विधान होगा। लेकिन अगर कहां याथात्म्य की बात आ रही हो तो वहां कर्मों का संस्पर्श भी नहीं हो सकता। ये एक पैराग्राफ हो गया, अब परसों देखेंगे। ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।